बिस्मिल्लाह भाई सामने आओ तुम। अभी हिसाब किताब होएगा बाद में। सब आना इधर, ऊपर आना ऊपर। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के दिन की भी हमने शुरुआत कर दिया और आज के दिन की शुरुआत सीधा काम से ही हो रही है और काफी दिन तक ऐसी शुरुआत होने वाली है। और आज हमारे मिस्त्री भाई साहब जो हैं वो आ गए हैं, थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर भी प्लस्तर हो गया, अभी वो भी प्लस्तर हो गया, इतना हो गया काम। और दरवाजा भी टूट चुका है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमारी फाटक वगैरह सब कुछ आ चुकी है और फाटक एकदम सिंपल है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए लग रही है, तो लोहे वाली और कुत्ता गेट के साथ लग रही है। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी ये जो टूटने के बाद चौकट चढ़ेगी अभी थोड़ी देर में, तभी फुप्पी वगैरह भी आएंगे हमारी कंगना बांधने के लिए। तो फाइनली गाइज हमारी फाटक जैसे कि आप देख सकते हैं आ चुकी है और फाटक एकदम सिंपल है। और यहाँ पर दरवाजा देख सकते हैं टूट रहा है और ये भी दरवाजा मम्मा ने तोड़वा दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं रूम वाला। और ये वाला दरवाजा जो है सेट होना शुरू हो चुका है और बाकी अब दोनों ही दरवाजे काफी अच्छे हो जाएंगे। बाहर का दरवाजा कुछ इस तरह का लग रहा है और यहाँ पर ही हमारा गेट रखा हुआ है और गेट में ही हमने डॉग गेट ज्वाइन करवा लिया था। तो भाई साहब अभी काम वगैरह जो चल रहा है ना, तो उसमें खाना पीना तो ऐसे ही चल रहा है, तो आज फाटक वगैरह चढ़ने वाली है। अभी फाटक चढ़ने का इंतजाम ही हो रहा है, उससे पहले हम सोच रहे हैं कि कुछ समोसे वगैरह ले आते हैं, तो मिस्त्री वगैरह भी खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे, तो मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। तो ठीक है भाई साहब, मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ समोसे, काफी सारे लेकर आया हूँ, इतने प्लेट में निकल कर आ चुके हैं, काफी सारे रखे हुए हैं अभी भी। चटनी है, चटनी भी होगी और क्या। तो अब इसी चीज से अपनी भूख मिटाते हैं और बाकी सारे लोग भी खा लेंगे। और ये देख लो कैसा गेट ओपन ओपन, मजा आ रहा है। ज्यादा नहीं लग रहा बेटा समोसे? अरे काफी है, मजे से खा, बच जाए तो फिर बाद में खा लेना। चलो उस पे रख लेना वॉशिंग मशीन पे। खा लो ठंडे हो जाएंगे। गाइस अब लगने वाली है फाटक और हमारी फुफ्फी वगैरह आएंगी उस पर कंगना बांधने के लिए। ले भाई साहब गिर गर्दन घाट घाट वालों में नहीं गिर गर्दन घाट नाम तो सुना ही होगा। पूरा दरवाजा चेंज, अब लुक ही चेंज हो जाएगा दरवाजे का, मुझे खुद ही नहीं लग रहा कि मैं अपने घर में हूँ। बिस्मिल्लाह। देख सकता है मम्मा की पावर कितनी है, पूरी चौखट लिए खड़ी पड़ी अकेले। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये सारी मेमोरी सेव हो रही है, जिंदगी देखने क्या हुआ था क्या नहीं है, जिंदगी भर की मेहमानी। हमारी भी आ चुकी है नीचे। अच्छा अभी हिसाब किताब होएगा बाद में। जा रही है पप्पी? हाँ अच्छा चलो ठीक है बाद में आना। और फुफ्फी देकर गई है मिठाई के 2 डब्बे देकर गई है। भाई साहब अभी चल रही है लाइट फिटिंग वाली अंडरग्राउंड कटिंग, धुंधी धुंध है घर में। मुन्ना भाई जिसको भी करा जरे सबके यहाँ लग जाएंगे बोर्ड। और ये वो मुसीबत पंखे पंखे जो बल्ब जो लगे ना उसका, और तो मुन्ना भाई इतना काम करेगी तो वो मुसीबत वालों काम खत्म कर देंगे। सूरा में सूरा होना एक। भाई साहब अभी हो गया रात का वक्त और मैं यहाँ पर आया हूँ स्कूटी लेने के लिए, क्योंकि क्या है ना कि खाना वगैरह जैसे कि आपको पता है कि बन नहीं पा रहा है, तो फिर मैं रेडीमेड खाना लेकर आऊँगा, कीमा तंदूर वगैरह। भाई साहब काफ़ी सारा सामान मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसको टांग लेते हैं और चलते हैं। तो मैं खाना तो ले आया हूँ लेकिन कितनी जुगाड़ से जाएगा खाना, नजर नहीं लग के। कहाँ से जा रहे हो? हाँ नहीं खाना पहुँचा रहे हैं। अरे सवाना इधर ऊपर आना ले आना खाना, अभी नहीं आ रहा है खाना ले आना। जीने भाई इधर जीने भाई। चोरी चुपके बिरयानी है कबाब है। तो देख लो भाई साहब अभी हमारा दरवाजा फाटक चढ़ गई कुछ इस तरह की, अब कल खुलेगा हमारा गेट, जब तक हम इधर उधर से जाना पड़ेगा अपनी छत पर।
तो फिर अब मम्मा यहाँ पर थोड़ा सा सामान सेट कर देंगे, यहाँ कोना भी गंदा हो रखा है, बैठना है, खाना खाना है, भूख लग रही है। और यहाँ पर पापा भी सामान सारा बटोर रहे हैं। इतना यहाँ का ढूला खुल गया है, ऊपर के स्लेब का नीचे का बच गया है, गेट चढ़ गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था। और बाकी ऊपर का ये अटान, और अटान के अंदर सुराख हो गए हैं, यहाँ पर चिमनी लगेगी। तो ऐसा कुछ रहा हमारे घर का, और ये बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा खुलने के बाद। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ गेट ही ना लगे तो एकदम हवेली जैसा मस्त लगेगा। नहीं लगवाए गेट मम्मा? अरे हाँ, एसी वैसी लगे तो गेट की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ये बात तो ठीक है, एसी में सारी हवा निकल जाएगी। अभी एसी भी सेट होना है यहाँ पर। यहाँ पर मम्मा ने लगा लिया दस्तरखान, और जैसे कि आप देख सकते हैं तख्त पे बर्तन वर्तन चल रहे हैं। और यहाँ पर है अपना मनपसंद सामान जो कि रॉयल टफी जा रही है, खुशबू बहुत तेज आ रही है। क्या क्या चीज है, आप क्या क्या लेकर आए हैं? मैं लेकर आया हूँ टिक्की वाले कबाब, बिरयानी। रेडीमेड नहीं अच्छी होती, क्यों लेकर आए? अब देखो खाने के बाद पता चलेगा। और कीमा और तंदूर, और बस हमारा खाना रेडी है, क्योंकि अब किचन विचन तो है नहीं, तो फिर अभी ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा रेडीमेड रेडीमेड। और क्या बनाएंगे कहाँ पे यार, आज तो बहुत ही दिक्कत हो गई खाना बनाने की। समोसे कहाँ का है, ये तीन दिन का इंतजाम कर लाएगी। रोटियां सही ले आया, सुबह तक खाती रहो। और वो भी एरिया कितना बड़ा लग रहा है ना। मजे मजे है, महारानी बना के छोड़ूंगा मैं। मैंने कहा था ना महारानी बना दूंगा। मेरे बेटे ने कहा था, मुझे याद है कहाँ पे कहा था, आगरा कहा था मैंने। याद है आगरा में ही कहा था, वही तो बात मैं कह रही हूँ, तुझे याद है। मम्मा महारानी जैसा घर बना, इस साल नहीं कहा था, पिछले साल कहा था। पिछली साल जो निकल गई उसका भी दिसंबर था, मतलब जो पिछली निकल गई उसका भी दिसंबर, तब कहा था उस वीडियो में कहा था कि मम्मा आपको महारानी बनाऊंगा। और इसका फाइनल लुक आप देखना, अभी तो जैसा काम चल रहा है, जो मेरे माइंड में आइडियाज है ना, जो सामान मैं इसमें लगवाऊंगा मंगा कर, वो ऐसा ऐसा होगा, बहुत महारानी लगा करेंगे। तो मम्मा ने जो कहा वो करके दिखा दिया भाई, अल्लाह ताला सबकी ऐसी। बहुत खुश हूँ, दिल से दुआ है। और ये वाला घर बन रहा है तो बन रहा है, अल्लाह ने करम किया तो एक और नया लेकर भी बनवाऊंगा। बेटा मेरे अभी तो इतना ही मेरे लिए बहुत है, मैं कितने बुरे से में रहती थी, बहुत है मेरे लिए। अरे काफी बहुत अच्छा हो जाएगा, अभी देखना फाइनल देखना, अभी टाइम लगेगा बनने में, लेकिन फाइनल लुक देखना बहुत जबरदस्त होगा। ठीक है भाई साहब, निकल कर आ चुकी है, बिरयानी है, कीमा है, कबाब है, ये टिक्की वाले कबाब काफी टाइम बाद मम्मा बना भी नहीं थी, काफी टाइम से वो बना रही थी सीख वाले, तो मैं मोल ले आया ये वाले। और बाकी अपने तंदूर काफी हैं, चलते रहेंगे कल तक, तो अब जल्दी से खा लेते हैं, भूख बहुत। बर्तन भी कोई कहीं है, कोई कहीं है, ऐसे ही है अभी सब कुछ इधर ही है, लेकिन जब किचन विचन सेट हो जाएगा तो सब सारा सामान मस्त सेट हो जाएगा एकदम। बाकी चलिए आप खाना खाने के बाद आप लोगों के कमेंट पढ़ देंगे। ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब खाना पीना यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फिनिश हो चुका है, और यहाँ पर मैंने आप लोगों के कमेंट भी निकाल लिए हैं, जल्दी से पढ़ भी लेते हैं। सबसे पहला कमेंट है, नाम नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है सबाना बाजी। ऐसा इंसान होगा जो मम्मा को जानता होगा, है ना? शायद। और अगला कमेंट है एक्साइटेड बेबी किचन का, क्या रही है, किचन से है या फिर किचन से, पता नहीं क्या स्पेलिंग लिखी है। कह रही है भाई अपना घर पूरा तोड़वा के बनवाओ तो फिर और अच्छा लगेगा। तो फिर पूरा तोड़वा कर हम इसलिए नहीं बनवा रहे, इसका भी रीजन है कि हमको और भी घर वगैरह लेना है, कि इसी में मतलब इसको और भी क्या लेना है, हमको बेच के भी जा सकते हैं, ये तो चीज हम कहते हैं, बार बार कहते हैं। तो इसको रिन्यू सा कराया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा, अभी फाइनल देखना, इसलिए करा रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट घूम रहा है ना, वो अचानक से कोई आ जाता है तो अजीब सा लगता है, हम बीच में खाना बनाते हैं तो अच्छा नहीं हमसे लगता भी है। हमारे चाहने वाले मिलने आते रहते हैं, घर ढूंढ लेते हैं कि आर एस दस स्टार का घर के घर आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, फिर वो कहेंगे कि आर एस दस स्टार घर में रहते हैं। तो इसलिए हमको मजबूरी में कराना पड़ रहा है, वरना हमारा तो इरादा यही है यहाँ से जाने का, क्या मालूम किस्मत कहाँ ले गई, कोई पता नहीं है। और बाकी कुछ बड़े घर भी बनाना है अभी आगे आने वाले टाइम में, तो इसको इतना अच्छा मतलब ये देखना, बाद में जब ये बन जाए सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगा। हाँ, इसका हो जाएगा कि हाँ, क्या क्या मतलब करवाया, रहने काबिल ठीक ठाक हो जाएगा, इतना भी अच्छा नहीं हो जाएगा, रहने काबिल अपने हो जाएगा ठीक ठाक, वो आप लोगों पर मतलब डिपेंड करता है, जब वो हो जाएगा तो बता। यस, फिर उसके बाद अगला कमेंट है मोइनुद्दीन खान, ये हमारे अंकल का कमेंट है, जो की कह रहे हैं कुछ घिरा घिरा सा लगता था पहले, अब काफी स्पेस हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जी हाँ, काफी अब स्पेस और लग भी रहा है, मजा भी आ रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है खुला खुला। बस दुआएं करते रहे, मतलब कामयाब हुई हमारे लिए, और बाकी और दुआएं करते रहे और कामयाब हो और घिरा घिरापन दूर करवा दे, चोट है मतलब घर का भी घिरापन दूर करा दे, बड़ा सा हो जाए कुछ ऐसा करे, है ना?
बाकी ठीक है गाइस, इतना ही कमेंट थे आप लोगों के। आज के ब्लॉग को अभी यहीं पर एंड कर देते हैं, कल फिर से यही टूट फूट देखते रहो आप अब। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।